दिल्ली के पूरे हालात आपने देख लिया। अब हम आपको जरा यूपी की बात बताते हैं। यहां पर भी दिल्ली में 1.5% के आसपास है पॉजिटिविटी रेट और उत्तर प्रदेश में अब 1.1% है। यानी माना जा रहा है कि जो सबसे भयंकर काल था, दौर था कोरोना का, वो यूपी में भी टल गया है। यहां भी क्या 31 मई के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी? उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर कंट्रोल में आ रही है। मुख्यमंत्री योगी की सख्त मॉनिटरिंग, जमीनी दौरे और 3T फॉर्मूले के कारण नए केस की संख्या में काफी कमी आई है। यूपी में कोरोना के लगातार टेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं। बीते 8 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू और उसके बाद 7 बार बढ़ाए गए लॉकडाउन का असर अब दिखने लगा है। अगले साल की शुरुआत में यूपी में चुनाव है, उससे पहले योगी सरकार सुपर एक्शन में है। कोशिश पब्लिक में ये मैसेज देने की है कि हम कोरोना काल में आपके साथ खड़े रहे। जिनके अपनों की मौत हुई या फिर उन्हें इलाज में बहुत परेशानी हुई, उनका गुस्सा स्वाभाविक है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा है कि कोरोना अब कंट्रोल में है। वो खुद राज्य के तूफानी दौरे पर हैं। जिले जिले जाकर वो कोविड केयर सेंटर से लेकर अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं। कोविड को लेकर शुरुआती हाहाकार के बाद अब हालात बेहतर होने लगे हैं। क्या दूसरा जो वेव आया उसको पकड़ने में थोड़ी देर हो गई? देखिए, कोई देर नहीं हुई। हर चीज को समय के अनुरूप चलाने का प्रयास हो रहा था, लेकिन आप इस बात को मानते हैं कि फर्स्ट वेव की तुलना में सेकंड वेव में संक्रमण कई गुना ज्यादा था, 30 से 50 गुना अधिक था। और अचानक ये सारी चीजें हुई, लेकिन आज आप देख रहे होंगे सारी चीजें अपने सामान्य स्थिति में आ रही हैं। नए आंकड़ों के मुताबिक यूपी के 2 जिलों में कोई केस नहीं है। 16 जिलों में सिंगल डिजिट में केस हैं, वहीं 53 जिलों में डबल डिजिट में केस हैं, और सिर्फ 4 जिलों में सैकड़ा में केस हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य में तूफानी दौरों के बीच कोरोना का कंट्रोल करने का दावा ठोक रहे हैं। हम आपको बता दें कि बीते 20 दिनों के भीतर सीएम ने प्रदेश के सभी 18 प्रशासनिक मंडलों और 40 से अधिक जिलों का दौरा किया है। इन जिलों में सैफई और अलीगढ़ जैसे जिले भी शामिल हैं, जिन्हें बीजेपी के विरोधियों का गढ़ कहा जाता है। कोरोना के दौर में विपक्ष आपको छोड़ नहीं रहा, बख्श नहीं रहा, और लगातार हमले भी जारी। हमारा काम विपत्ति और आपदा के समय में जनता की सेवा हमारी प्राथमिकता है। जो लोग आपदा के समय में राजनीति करके देश की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं, ये वास्तव में मानवता के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। सीएम योगी अलग अलग जिलों में ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों, कोविड फैसिलिटी और कमांड सेंटर का औचक निरीक्षण कर चुके हैं। साथ ही वो ग्रामीण इलाकों में जाकर खुद कोरोना मरीजों से मुलाकात कर चुके हैं। और अब सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि यूपी में जल्द ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। गुरुवार यानी 27 मई को 24 घंटे में 3,278 नए संक्रमित मिले। 31 दिनों बाद संक्रमितों की संख्या 3,500 के नीचे आई है। बीते 3 अप्रैल को 3,187 केस मिले थे। 27 मई को 188 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6,995 लोग ठीक हुए हैं। इसके बाद रिकवरी रेट बढ़कर 95% के पार हो गया है, जबकि पॉजिटिविटी दर घटकर 1.1% पर आ गई है। सूत्रों की माने तो यूपी में 31 मई तक लॉकडाउन है और 1 जून से ग्रोसरी स्टोर्स, सब्जी दुकानें, कंस्ट्रक्शन और रेस्टोरेंट को 50% लोगों की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत मिल सकती है, लेकिन शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और सैलून अभी बंद रहेंगे।